राज्य आईन श्रृंखला भुशुड़ी पड़ी लोके सरकार आस्था हर बसिले बीजेपी कर्मी को हत्या करा जाउछि। पुलिस विभिन्न अपराधिक मामलें सठिक तदंत करूना नृत्यांगे डबल मर्डर पर जो मैंने दायी समस्त विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान दावी करजेपी आज हत्यार शिकार फूलमणि पराल और दिव्यसिंह पराला पर भेटी बीजेपी टीम दलर राज्य प्रभारी डॉक्टर पुरेन्देश्वरी सहित दल सभापति समीर महांती पृथ्वीराज हरिचंदन प्रकाश मिश्र भृंगु बक्सी पात्र स्मृति पटनायक लेखाश्री सामंत सिंहार प्रभाती परिडा कनक वर्धन सिंह देव प्रकाश बेहरा शारदा प्रधान भारती केशोरी मिश्र प्रमुख महांगे पहुंची प्रेस मीट रे राज्य सरकार को घेरी जना पड़ी हम जरूर देखेंगे कैसा करना है जो भी हम करना चाहते हैं वो मीडिया में थोड़ी बोलते हैं अंदर हम डिस्कशन कर लेते हैं अंदर ही अंदर हम डिसीजन लेते हैं यार डीजी ऑफिस वो तो पता है मैडम आप बोल रहे हैं कि राज्यभर में अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है तो बीजेपी का कार्यक्रम क्या होगा लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है लोगों को बीजेपी सरकार की जब परी की हत्या हुई जितनी बड़ी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करी वैसे ही रस्ते में हम उतरे और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय मिलने के लिए हम लड़ेंगे अंत तक। मैम अभी यूपी में महिला का दुष्कर्म हुआ उसका हत्या हुआ क्या बोलेंगे आपके सरकार वहाँ पर है वो भी एक महिला है आप भी एक महिला है सरकार महंगा को लेके बोल रही है। देखिए योगी जी सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ बहुत तक लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है बहुत हद तक बट फिर भी जो दुष्कर्म अभी महिला पे हुई है ये कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकते और जरूर उसने सीबीआई को दे दिया है और जरूर जिन्होंने ये काम किया उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी और हम यही विनती करते हैं यही के यहाँ की सरकार को भी कि आप भी सीबीआई को दो ना परी के साथ जो घटी हुए हैं वो भी आप सीबीआई को दो न्याय करो उस बच्ची का। मैम परी की घटना हो या महंगा की घटना हो इसको लेकर राजनीतिकरण हो रहा है क्या या गुना जरूरत है क्या? भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़े रहने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे दुष्कर्म या दुर्घटना को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देगी ये मैं साफ आपको फिर भी आप क्या चाहते हैं जी छह आदमी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं इस घटना में फिर भी आप बोल रहे की अंत तक नहीं आपके आपके मंत्री का नाम है कि नहीं उसमें तो उसपे क्या कार्रवाई हो रही है उसको क्यों छोड़े उसको भी अरेस्ट करना है तो इन्वेस्टिगेशन संतुष्ट नहीं है ये बोलना चाहते हैं आप अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है जो भी सामने आए हैं ये ठीक नहीं चल रहा है ये बोलना चाहते हैं ये सभी जानते हैं सभी जानते हैं कि यहाँ जो हो रहा है सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है और अपने लोगों को छोड़ रहे हैं और जो जैसे परी में वो खुद जिसको अरेस्ट करे वो जुवेनाइल है उससे पहले कहे कि वो नहीं मेजर था और वो खुद मीडिया के सामने आके कहा कि मुझ पे दबाव डाली जा रही है और मुझे 5 लाख का उसका भी देने की बात की अगर मैं आके बोलूं कि मैंने किया। अब उस बेचारे को जो दलित है जिनका आवाज ही नहीं उनको ले जाके आपने जेल में डाल दिया जब आपके खुद के मंत्री अरुण साहू उन्होंने जो ये दुष्कर्म किया उसको प्रोटेक्शन दे रहे। अब भी जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल के घर तो उनके बेटे खुद के जो हथियारे हैं उनको यहाँ के मंत्री प्रताप जेना उनके घर में रखे थे तो वो खुद कह रहे। तो आज यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन बाबू इन सभी लोगों को न्याय देना उनका काम है कि नहीं यही पूछ रहे हैं। पर उड़ीसा में राजनीतिक हिंसा प्रकाश बाबू इन्वेस्टिगेशन बाबद शब्द कहता डबल मर्डर मामलें आज सुधा 6 जन अभियुक्त को गिरफ हो सारे तेज स्थानीय विधायक को मामलें छंदवा को बीजेपी चाप सृष्टि करुवा बेले गिरफ होता आसामी व्यक्तिगत शत्रुतु एभली कांड भिई स्वीकार कै विरोधी बैकफुट को आसवा चर्चा हो
उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपराधी को घंट गोड़ाऊँगी ओडिशा पुलिस तदंत सठिक रास्त जा बीजेपी डबल स्टैंडर्ड को नहीं प्रश्न उठु योगी सरकार भल शासन करुच्ची राज्य प्रभारी डॉक्टर पुरांदेश्वरी सफे महांगारू दिवाकर राउत रिपोर्ट ओमकार टीवी।